करते हैं अपन नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, तो नेटवर्क को हैंडल करने के लिए डिवाइसेस हम लोग को कुछ कुछ चीज़ें लगती हैं जिसके थ्रू हम लोग कोई नेटवर्क बनाते हैं, सारे कंप्यूटर्स को मैनेज करते हैं, डिवाइसेस को मैनेज करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम लोग को दो कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो वायर तो लगेगा ही लगेगा, साथ में कुछ हम लोग को नेटवर्किंग डिवाइसेस भी लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास कुछ कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग रिपीटर में। ठीक है, देखो रिपीटर क्या होता है, जैसे मान के चलिए हम लोग के पास घर पे लगा हुआ है जो टीवी का केबल लगा होता है। ठीक है, सभी के यहाँ केबल होगा। ठीक है, जो केबल कनेक्शन लेते हैं हम लोग तो वो बहुत दूर से वायर आया हुआ रहता है। ठीक है, तो उसके अंदर जो सिग्नल्स आते हैं वो कुछ दूर जाके, जैसे कि 1 किलोमीटर कुछ का रेंज रहता है उसका, 1 किलोमीटर जाके वो उसका जो सिग्नल होता है डाउन होने लगता है एकदम। ठीक है, मतलब ग्रेन्स आने लगेंगे, डिस्टरबेंस आने लगेंगे, क्योंकि जो वायर होते हैं वायर का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वायर भी कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, कुछ सिग्नल कंज्यूम करता है, क्योंकि वो क्या है, मेटल है ना वो तो। ठीक है, मेटल क्या करेगा, मेटल भी कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, सिग्नल वीक होने लगता है। ठीक है, तो सिग्नल वीक होगा तो हम लोग मतलब जाहिर सी बात है कि नेटवर्क अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, फाइल शेयर नहीं कर पाएंगे, मतलब हम लोग का नेटवर्क डाउन चलेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर उस जो भी सिग्नल आ रहा है उसको बूस्ट करना है हम लोग को, ठीक है, वापस से उसी स्ट्रेंथ पे लेके आना है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रिपीटर यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, सिग्नल को वहाँ से लेता है और उसको रिपीट कर देता है। ठीक है, तो उन लोग क्या करते हैं कि जैसे मान के चलो 1 किलोमीटर का रेंज है, तो उन लोग 800 मीटर या 700 मीटर में एक रिपीटर लगा देते हैं। मतलब 700 मीटर तक उसका सिग्नल एकदम मस्त अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है, मतलब 70%, 80% या 90% जितनी भी स्ट्रेंथ होगी उतनी मिल रही है। ठीक है, उसको वो क्या करते हैं, हम लोग रिपीटर लगा देते हैं बीच में और वापस से बूस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे जगह तुम लोग देखे होंगे ऐसे केबल का जो वायर रहता है उसमें बीच में एक डब्बा लटके रहता है। ठीक है, देखे हो। ठीक है, कभी कभी अपने घर के ऊपर भी हम लोग दो चार कनेक्शन लगा के रखते हैं तो उसमें भी लगा के छोड़ देते हैं, लटका देते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर आजकल वाईफाई के लिए भी हम लोग को मिल जाता है, जैसे कि हम लोग एक रूटर लगा के रखे एक रूम में कोने में और सभी रूम में हम लोग को चाहिए, तो हम लोग इस टाइप का, देखो यहाँ पे दिख रहा है, इस टाइप का एक यहाँ पे हम लोग रिपीटर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है और सभी जगह वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, ये 1200-1500 रुपये का आता है। इसको अगर किसी में स्ट्रेंथ कम मिल रही होगी घर में, या फिर दो फ्लोर है किसी के घर में, नीचे वाले फ्लोर में वायर रूटर लगा हुआ है, ऊपर वाले फ्लोर में अच्छे से पकड़ नहीं रहा है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, रिपीटर लगा दो वहाँ पे। ठीक है, तो वैसा भी हम लोग कर सकते हैं। तो रिपीटर जो होता है, यहाँ पे देखो, ए रिपीटर ऑपरेट्स एट फिजिकल लेयर, इट्स जॉब इज टू रीजनरेट द सिग्नल ओवर द सेम नेटवर्क बिफोर द सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड, सो एज टू एक्सटेंड द लेंथ टू विच द सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द सेम नेटवर्क। ठीक है, कौन है ये, बर्तन वर्तन फेंक रहा है, बंद करो माइक को सब। ठीक है, तो जो भी सिग्नल होगा वो एकदम वीक हो जाए या फिर करप्ट हो जाए, ठीक है, उसके पहले उसको क्या करना है पड़ेगा, हम लोग को रीजनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसी सिग्नल को रीजनरेट हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट द रिपीटर इज दैट दे डू नॉट एम्पलीफाई द सिग्नल व्हेन द सिग्नल बिकम्स वीक, दे कॉपी द सिग्नल बिट बाय बिट एंड रीजनरेट इट एट द ओरिजिनल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि एम्पलीफायर्स होते हैं, ठीक है, सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर रहा है, क्योंकि आजकल के सिग्नल जो होते हैं वो डिजिटल सिग्नल होते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नल होने के कारण बिट बाय बिट उसको क्या करते हैं, कॉपी करते जाता है वो। ठीक है, जैसे कि मान के चलो ओरिजिनल वाईफाई सिग्नल से वो क्या किया, सिग्नल लिया, ठीक है, बिट बाय बिट उसको कॉपी करेगा, मतलब उसके पास भी कुछ मेमोरी होगी, ठीक है, वो उतने स्पीड में उसको कॉपी करके रीजनरेट करते रहेगा। ठीक है, तो हम लोग को उतनी ही स्ट्रेंथ फिर से मिलेगी। आया समझ में?
ठीक है, तो इस टाइप का वायरलेस ये रिपीटर है, ठीक है। वायर जो मीडियम होता है उसके लिए भी आता है, ऐसी टाइप का आता है। वहाँ पे इस टाइप के एंटीने बस नहीं लगे रहते हैं, वहाँ पे वायर्स लगे होते हैं, ठीक है। आया समझ में? रिपीटर क्या होता है, ठीक है। रिपीटर क्या कर रहा है, रीजनरेट करता है सिग्नल को, बिट बाय बिट करता है, ठीक है। एम्पलीफाई नहीं करता है वो, ठीक है। क्या करेगा, रीजनरेट करेगा बिट बाय बिट, ठीक है। ठीक है, अगर किसी के घर में कुछ नेटवर्क वीक मिल रहा होगा तो इस टाइप का रिपीटर आता है मार्केट में, खरीद सकते हो और लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हब में, ठीक है। अब देखो हब क्या होता है, एक इस टाइप का एक डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, लैन पोर्ट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको, ठीक है। ये देखो इस टाइप का एक पोर्ट होता है, मतलब एक डिवाइस होती है जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर मान के चलो हम लोग को कोई ब्रॉडकास्टिंग करनी है, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स क्या होगा, जैसे मान के चलो हम लोग को एक मीटिंग लेना है, ठीक है। अगर हम लोग को एक मीटिंग लेना है लेकिन जो होस्ट जो है वो जो दिखाना चाहे वही सिर्फ दिखे, ठीक है। जैसे कि विधानसभा राज्यसभा की मीटिंग होती है, ठीक है। तो उन लोग के टेबल के सामने कंप्यूटर रखा होता है, सिर्फ उसमें स्क्रीन रहती है, ठीक है। स्क्रीन रहता है और जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड, उनके पास एक छोटा सा सीपीयू रहता है, ठीक है। वो एक्चुअल में कंप्यूटर नहीं रहता, वो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क बूटेड रहता है, ठीक है। तो अगर मान के चलो उस टाइप का अगर हम लोग को कुछ भी चीज़ें करनी है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क से ही हैंडल हो और वो जो हम दिखाना चाहें, हम जो वहाँ पर रन करना चाहें वही सिर्फ हो, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे हम लोग हब यूज़ करते हैं। हब क्या रहता है, एक पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इनपुट जाएगा, ये वाला मेन इनपुट है, ठीक है। और ये सारे उसके पैरेलल पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से जो इनपुट जाएगा सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्लियर। सभी में क्या होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब मान के चलिए हम लोग को फर्स्ट वाले कंप्यूटर पे मैसेज भेजना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, उसको एक्टिव कर देंगे, ठीक है। यहाँ से एक्टिव कर देंगे तो फर्स्ट वाला एक्टिव हो जाएगा और बाकी सब में जो पहले से दिख रहा था या शेयर हो रहा था वही चीज़ होते रहेंगे। तो हब जो होता है वो दो टाइप के हब होते हैं, ठीक है, एक्टिव हब और पैसिव हब, ठीक है। सबसे पहले हब के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ए हब इज बेसिकली मल्टीपोर्ट रिपीटर। ए हब कनेक्ट्स मल्टीपल वायर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल द कनेक्टर इन स्टार टोपोलॉजी विच कनेक्ट्स डिफरेंट स्टेशंस, ठीक है। हब क्या होगा, हमेशा वो स्टार टोपोलॉजी या फिर कोई मल्टीपल वायर्स होंगे या फिर जो मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होंगे वहाँ से कोई दूसरा नेटवर्क आ रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में बताता हूँ, मान के चलो रायपुर से एक कनेक्शन आया मेरे पास, ठीक है। अब मुझे उस कनेक्शन को कहाँ कहाँ शेयर करना है, जैसे मान लो एक भिलाई में शेयर करना है और एक दुर्ग में शेयर करना है। दो मेरे पास नेटवर्क है, ठीक है। और उस नेटवर्क पे मैंने क्या लगा के रखे, बहुत सारे कंप्यूटर्स लगा के रखे हैं, ठीक है। भिलाई में कम से कम मान लो 100 कंप्यूटर्स है और मेरे पास दुर्ग में भी 100 कंप्यूटर्स हैं। उस 100 कंप्यूटर्स को मैं कैसे कनेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पास एक ही लाइन आया है रायपुर से, ठीक है। तो मुझे उसको भिलाई और दुर्ग दोनों में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मुझे कुछ ना कुछ पैरेलल पोर्ट तो चाहिए। अब सिंगल वायर सभी कंप्यूटर में तो लग नहीं सकता, लग सकता है क्या, सिंगल कंप्यूटर जो है सब में लग सकता है क्या, नहीं लग सकता है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उस सिंगल वायर को पैरेलली डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बचपन में पढ़े होंगे तुम लोग 11th 12th में शायद, पैरेलल कनेक्शन सीरियल कनेक्शन पढ़े हो क्या, फिजिक्स वगैरह में, ठीक है। कैसे वायर जोड़ते पता होगा, ठीक है। सीरियल कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है, सब होता है ना, ठीक है। तो वही वैसे ही टाइप का यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन होता है, ठीक है।
आगे देखते हैं, हब कैन नॉट फिल्टर डेटा सो डेटा पैकेट्स आर सेंड टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। ठीक है, ये कोई डेटा को फिल्टर नहीं करता है। ठीक है, जैसा वहाँ से डेटा आएगा वो क्या करेगा, सब में वो भेज देगा। ठीक है, जो भी डेटा पैकेट्स आते हैं वो सारे पोर्ट्स में इक्वली जाते हैं। ठीक है, जिसके काम का है वो लेगा, एक्सेस करके उसको यूज़ कर लेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कोलिजन डोमेन ऑफ ऑल होस्ट कनेक्टेड थ्रू हब रिमेन्स वन। ठीक है, इसमें कोलिजन जैसा कुछ नहीं है, कोलिजन मतलब कोई भी डेटा आपस में टकराता नहीं है। ठीक है, हर पोर्ट में सेम डेटा मिलेगा, सेम टाइप की चीज़ें एक्सेस होगी, सब में सेम होगा, एकदम पैरेलल। ठीक है, कोई भी कुछ ऐसा नहीं कि ये पोर्ट में अलग शेयर हो रहा है, ये पोर्ट में अलग शेयर हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में? सबके आईपी एड्रेस इसमें सेम होते हैं, क्लियर? अगर हम लोग को ऐसी कुछ चीज़ें ब्रॉडकास्ट करनी है तो हम लोग वहाँ पे हब यूज़ करते हैं। ठीक है, आया समझ में? जैसे यूएसबी हब आता है, जानते हो यूएसबी हब आता है, जिसमें बहुत सारे पैरेलल पोर्ट्स रहते हैं, 4, 5, 6, 10। ठीक है, एक सिंगल यूएसबी से कनेक्ट करो उसको और उसको वो पैरेलली डिवाइड कर देता है। ठीक है, अगर हम लोग के कंप्यूटर में कितने पोर्ट रहते हैं, एक दो पोर्ट रहते हैं यूएसबी वाले, एक में हम लोग कुछ और लगा दिए, पेन ड्राइव लगा दिए, एक में हम लोग लगा दिए माउस, बचा ही नहीं पोर्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, एक एक्सटर्नल हम लोग यूएसबी हब लेके आते हैं, एक पोर्ट में लगा दिए और उसी से सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिए। ठीक है, आने वाले टाइम पे, ठीक है, ये सब जो हेडफोन जैक हो गया, चार्जिंग हो गया, ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आजकल के नए नए लैपटॉप आ रहे हैं, वहाँ पे वो सी टाइप का चार्जर आते हैं। ठीक है, तो सी टाइप चार्जर क्या है, कितने भी वोल्ट उसमें सपोर्ट करता है, कितने भी वॉट उसमें सपोर्ट करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता उस पोर्ट को, जिसको तो उसमें यूएसबी भी काम करता है, चार्जिंग भी काम करता है, सब काम करता है उसमें। ठीक है, हेडफोन हेडफोन टाइप के सब काम करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही वो क्या किया है, सब चीज़ को अलग अलग डिवाइड करके रखा है। ठीक है, तो अगर हम लोग को वैसे ही टाइप के सेम, अगर हम लोग को कोई दूसरे डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं, तो हम लोग के पास हब होते हैं, हब से उसको पैरेलली डिवाइड करके हम लोग मल्टीपल कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया हब क्या होता है? अब आते हैं उसके टाइप्स पे। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एक्टिव हब होता है और पैसिव हब होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एक्टिव हब क्या होता है। दीज आर द हब्स विच हैव देयर ओन पावर सप्लाई एंड कैन क्लीन बूस्ट एंड रिले द सिग्नल अलॉन्ग विद द नेटवर्क। इट सर्व्स बोथ एज रिपीटर एज वेल एज वायरिंग सेंटर। दीज आर यूज टू एक्सटेंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन नोड्स। ठीक है, एक्टिव हब मतलब क्या होगा कि उसके पास खुद का पावर सप्लाई होगा। ठीक है, वो नेटवर्क को क्लीन कर सकता है, बूस्ट कर सकता है और रिले कर सकता है। इसका मतलब क्या है, वो पूरी तरह से एक्टिव है। ठीक है, उसके पास खुद का पावर सप्लाई है, मतलब पावर सप्लाई ले रहा है वो। ठीक है, वो डेटा क्लीन कर सकता है, उस डेटा को अगर मान लो सिग्नल कम आ रहा है तो उसको बूस्ट कर सकता है, रिपीटर उसके अंदर पहले से लगा होता है। ठीक है, और जो भी रिले मतलब क्या होगा, जैसे कि नेटवर्क मान के चलो कोई एक दो पोर्ट के लिए ही उसने मैसेज भेजा, तो उसको भी वो हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव हब। ठीक है, समझ में? एक्टिव हब किसको बोलेंगे, जिसके पास खुद की पावर सप्लाई होगी, वो डेटा क्लीन कर सकता है, बूस्ट कर सकता है और उसको रिपीट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पैसिव हब में। ठीक है, दीज आर द हब्स विच कलेक्ट वायरिंग फ्रॉम नोड्स एंड पावर सप्लाई फ्रॉम एक्टिव हब। ठीक है, पैसिव हब क्या करेगा, सब चीज़ दूसरे का यूज़ करेगा, खुद का कुछ नहीं है उसके पास। ठीक है, सबसे पहली चीज़ वायरिंग फ्रॉम नोड्स। ठीक है, जितने दूसरे नोड कनेक्टेड हैं उससे वायरिंग लेगा। ठीक है, पावर सप्लाई फ्रॉम एक्टिव हब, एक्टिव हब जो भी होगा उसका, वहाँ से वो पावर सप्लाई लेगा। ठीक है, खुद का पावर सप्लाई नहीं है इसके पास। ठीक है, दीज हब्स रिले सिग्नल ऑन टू द नेटवर्क विदाउट क्लीनिंग एंड बूस्टिंग देम। ठीक है, एंड कांट बी यूज टू एक्सटेंड द डिस्टेंस बिटवीन नोड्स। ठीक है, ये क्या करेगा, कोई क्लीन नहीं करेगा, कोई सिग्नल को बूस्ट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, तो
ये क्या कर रहा है, सब चीज़ दूसरे पे डिपेंड है। मान के चले ऐसे डमी टाइप का होता है ना कुछ, कोई डमी डिवाइस है, सिर्फ वो कनेक्ट वनेक्ट कर दिया आपस में, उसके पास खुद का कुछ नहीं, पावर सप्लाई भी कहीं और से दे रहे हैं, ठीक है, वायर्स भी कहीं और से लगा रहे हैं, सब चीज़ वो अलग से कर रहा है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। वैसा भी हब आता है, ठीक है, आया समझ में? तो दो टाइप के हब होते हैं, एक्टिव हब और पैसिव हब, ठीक है। किसी कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ब्रिज पे, ठीक है। ये देखो, इस टाइप का ब्रिज होता है, दिख रहा है, एक डब्बा, उसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ब्रिज क्या करता है, दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। मतलब दो नेटवर्क है हमारे पास, ठीक है, जैसे मान लो कॉलेज का लैब देखे हो सब लोग, ठीक है, तो मान लो दो लैब है, दो लैब को आपस में कनेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि दो लैब अलग अलग, मान लो एक इस बिल्डिंग में है, दूसरा अगले बिल्डिंग में, ठीक है, दोनों लैब को आपस में कनेक्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम लोग उसको कनेक्ट, दोनों के बीच में पुल बना दो, ठीक है, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बताओ, ठीक है। दोनों के बीच में क्या लगा दो, ब्रिज लगा दो, ठीक है। ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर देता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, ए ब्रिज ऑपरेट्स एट डेटा लिंक लेयर, ए ब्रिज इज ए रिपीटर विथ एड ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ फिल्टरिंग कंटेंट बाय रीडिंग द मैक एड्रेसेस ऑफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर इंटर कनेक्टिंग टू लैंस वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल, इट हैज़ ए सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट पोर्ट, दस मेकिंग इट एज ए टू पोर्ट डिवाइस, ठीक है। अब यहाँ पे दो पोर्ट की बात किया है, एक इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए, ठीक है। कभी कोई भी ब्रिज देखें, जैसे शिवनाथ नदी वाला ब्रिज है, एक तरफ से जाते हैं, एक तरफ से आते हैं, ठीक है, एक ही रास्ता है। वैसे भी यहाँ पे एक ही रास्ता होगा इनपुट के लिए, एक ही रास्ता होगा आउटपुट के लिए, मतलब दो ही पोर्ट होंगे, एक आउटपुट एक इनपुट, ठीक है। लेकिन आजकल के जो ब्रिज आते हैं वो ऐसे बड़े बड़े भी आते हैं ब्रिज, ठीक है, छोटे भी ब्रिज आते हैं जिसमें दो पोर्ट होते हैं, कोई एक चार पोर्ट वाला भी आता है, कोई ऐसे इस टाइप के बहुत सारे मल्टीपल पोर्ट्स वाले भी ब्रिज आते हैं, जैसे कि हम लोग को बड़ा नेटवर्क हम लोग को हैंडल करना है, जैसे कि 10 12 हम लोग के पास अलग अलग नेटवर्क बने हुए हैं, सबको अगर कनेक्ट करना है तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, आया समझ में? तो ब्रिज क्या क्या काम करता है, सबसे पहला काम क्या करता है, दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। ब्रिज एक रिपीटर भी होता है, ठीक है, साथ में उसके पास ऐसी फंक्शनैलिटी होती है जो वो अपने कंटेंट को फिल्टर कर सकता है मैक एड्रेस के थ्रू, ठीक है। मैक एड्रेस के थ्रू क्या कर सकता है, उसको फिल्टर कर सकता है। मैक एड्रेस पता है सबको क्या होता है, फुल फॉर्म इसका पता है कि नहीं पता है, मैक एड्रेस, इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। जितनी भी डिवाइसेस दुनिया में होती है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी नेटवर्क से कनेक्ट होती है, सबका मैक एड्रेस होता है, ठीक है, हर किसी का मैक एड्रेस होगा, मोबाइल फ़ोन का होगा, ठीक है, कंप्यूटर का होगा, ठीक है, और जितनी भी डिवाइसेस होती हैं आजकल की, जो स्मार्ट वॉचेस वगैरह आती है, सबका मैक एड्रेस होता है, क्योंकि सब कोई ना कोई नेटवर्क से कनेक्ट हो रही है, कोई भी ब्लूटूथ से कनेक्ट हो, वाईफाई से कनेक्ट हो, इंफ्रारेड से कनेक्ट हो, किसी से भी कनेक्ट हो, सब में मैक एड्रेस होता है, ठीक है। मैक एड्रेस हर डिवाइस के लिए यूनिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब हर डिवाइस का अलग अलग मैक एड्रेस होता है, ठीक है, कोई दो डिवाइस का सेम मैक एड्रेस नहीं होता है, ठीक है।
तो जितने भी ये सब साइबर क्राइम वगैरह होते हैं, ठीक है, दो चीज़ से पकड़ाते हैं। एक होता है आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस को बाउंस कर सकते हैं, मैक एड्रेस को कभी नहीं कर सकते। एक बार मैक एड्रेस मिल गया मतलब उसका लोकेशन से लेके सब चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो उसको भी फिल्टर करता है, जितने भी उसके पास कंटेंट आ रहे हैं, वो अपलोडिंग कर रहा है, डाउनलोडिंग कर रहा है, जो भी चीज़ एक्सेस कर रहा है, सबका उसके पास क्या होगा, फिल्टर कर सकता है, उसको देख सकता है, मैनेज कर सकता है, ठीक है, आया समझ में। हाँ, मतलब रिकॉर्ड पूरा मेंटेन रहता है उसके पास, ठीक है। देन उसके बाद दो टाइप के हमारे पास ब्रिज होते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंट ब्रिज, अगला होता है सोर्स रूटिंग ब्रिज, ठीक है। सबसे पहले आते हैं ट्रांसपेरेंट पे। दीज आर द ब्रिज इन विच द स्टेशंस आर कम्प्लीटली अनअवेयर ऑफ द ब्रिज एग्जिस्टेंस, दैट इज वेदर और नॉट ए ब्रिज इज एडेड और डिलीटेड फ्रॉम द नेटवर्क, रिकॉन्फिगरेशन ऑफ द स्टेशंस इज अननेसेसरी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, जितने भी हम लोग के पास स्टेशन है, मतलब एक नेटवर्क जो बोल रहे हैं उसको एक स्टेशन बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मतलब वहाँ पे उस स्टेशन को पता नहीं होगा कि वो ब्रिज से कनेक्टेड है, ठीक है, ब्रिज लगा है कि नहीं लगा है वो नेटवर्क को नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो इस टाइप के ब्रिज को क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ब्रिज। कोई भी दो नेटवर्क के अगर बीच में ब्रिज लगाए हैं और वो एकदम बिना कॉन्फ़िगरेशन का कुछ भी हम लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कनेक्ट कर लिए दोनों को, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपेरेंट ब्रिज, ठीक है। कोई भी रिकॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ रही है, जैसे कि कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस हम लोग लगाते हैं, ठीक है, रूटर लगाएं, स्विच लगाएं, कुछ भी चीज़ हम लोग लगाते हैं तो उसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, उसमें आईपी एड्रेस देना पड़ता है, या यूज़र नेम पासवर्ड्स होते हैं, या कुछ और टाइप की सेटिंग्स होती हैं उसमें, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है तभी नेटवर्क चलता है, ठीक है। अगर मान के चलो मैं घर पे लगाता हूँ ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक है, तो वो हम लोग को क्या देगा, रूटर देगा, हम लोग उसमें पासवर्ड सेट करेंगे, नेम सेट करेंगे, ठीक है, और जो नेटवर्क के थ्रू हम लोग को एक यूज़र आईडी पासवर्ड मिला होता है उसको भी वहाँ पे लॉगिन करना होता है हम लोग को, ठीक है, तभी हम लोग ट्रैक कर पाते हैं कि कितना हमने डेटा यूज़ कर लिया है, कितना डेटा यूज़ नहीं किया है, सारे चीज़ें, ठीक है। तो जैसे हम लोग सिम कार्ड रहता है हम लोग के पास, जैसे एयरटेल का सिम है, ठीक है, डेली मेरे पास 3 GB पर डे का डेटा है, ठीक है, तो वो कैसे पता चलता है हम लोग की कि कितना यूज़ कर लिया, ठीक है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम लोग के बीच में ट्रांसपेरेंट ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट ब्रिज मतलब एक वर्चुअल ब्रिज होगा, या फिर कोई एक ऐसा वहाँ पे एल्गोरिथम उसने लगा के रखते हैं जो ब्रिज का काम करता है, ठीक है, मतलब ये फिजिकली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, दोनों कर सकते हैं, आए समझ में। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट ब्रिज, ठीक है, सारा चीज़ मैनेज होगा लेकिन डिवाइस उसमें लगा भी सकते हैं या तो उसको वर्चुअली मैनेज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेकेंड टाइप आता है सोर्स रूटिंग ब्रिज, ठीक है, इसमें आता है इन दिस ब्रिज रूटिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय सोर्स स्टेशन एंड द फ्रेम स्पेसिफाइज विच रूट टू फॉलो, द हॉट कैन डिस्कवर फ्रेम बाय सेंडिंग ए स्पेशल फ्रेम कॉल्ड डिस्कवरी फ्रेम विच स्प्रेड्स थ्रू द एंटायर नेटवर्क यूजिंग ऑल पॉसिबल पाथ टू डेस्टिनेशन। अब देखो, जो भी सोर्स है हमारा, जैसे मान के चलो मेरे पास एक लैपटॉप है, नेटवर्क कनेक्टेड है, मैं यहाँ से कोई डेटा सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे ही कंप्यूटर से रूटर कनेक्ट है या फिर स्विच कनेक्ट है, ठीक है, और ये मेरा सोर्स स्टेशन है, जो मेरा लैपटॉप है वो क्या है, सोर्स स्टेशन है, ठीक है, यहीं से सारा चीज़ हम लोग सेंड कर रहे हैं डेटा, ठीक है। तो कौन सा रूट फॉलो होगा, ठीक है, कैसे फ्रेम्स जाएंगे, ठीक है, कैसे टाइप का फ्रेम्स रहेगा, वो सारा चीज़ जो है वो सोर्स रूटिंग ब्रिज मैनेज करेगा, ठीक है। जितने भी पॉसिबल डेस्टिनेशन होंगे, मतलब जैसे मान के चलो मैं न्यूज़ चैनल यहाँ से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, आजकल डिजिटल हो गया सारा चीज़,
ठीक है। पहले क्या होता था, कैमरेज वगैरह लगाए जाते थे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिवाइसेस लगाए जाते थे, सबको कंबाइन करके ब्रॉडकास्ट किया जाता था, ठीक है। कंप्यूटर्स आने से क्या हो गया, कोई भी लोकेशन पे बैठ के कहीं से भी वो डेटा सेंड करके ब्रॉडकास्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैंने एक न्यूज़ चैनल खोला, मैं अपने ही लैपटॉप से अकेले बैठ के यहाँ से न्यूज़ चैनल रन कर रहा हूँ, ठीक है। सब सारा चीज़ मैं ही कर रहा हूँ यहाँ से। तो सोर्स रूटिंग ब्रिज लगा दूंगा, और जितने भी दूसरे नेटवर्क्स होंगे अलग अलग, ठीक है, जैसे टीवी चैनल्स हो गए, ठीक है, इंटरनेट के जो ई न्यूज़ चैनल हो गए, ठीक है, सारा चीज़ इसी से मैनेज हो रहा है। तो सब जगह सेम डेटा जा रहा है, ठीक है, मतलब सभी नेटवर्क इस ब्रिज से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो सारे चीज़ सोर्स से मैनेज होगी, कि वो स्टेशन भी मैनेज कर रहा है, वो जितने भी फ्रेम्स यहाँ से निकल रहे, फ्रेम्स मीन्स जो डेटा फ्रेम होंगे, ठीक है, वो भी यहाँ से मैनेज होगा, कौन से रूट से जाना है वो भी मैनेज होगा, ठीक है, सारा चीज़ मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसका रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ। जो पहले जब HD चैनल चालू हुए थे, ठीक है, पहले क्या होता था, पुराने पुराने टीवी रहती थी और LED टीवी रहती नहीं थी किसी के पास। फिर आया HD टीवी, फिर आया फुल HD टीवी, अब 4K आ गया, 8K आ गया, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास HD में ही टीवी की ब्रॉडकास्टिंग होती है, फुल HD में अभी तक नहीं आया है, सभी को पता होगा, ठीक है। सेटअप बॉक्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं HD में, फुल HD में अभी तक कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर वो IPTV होगा, जैसे एयरटेल एक्सट्रीम हो गया, ठीक है, अभी टाटा स्काई ने भी चालू कर दिया है, जियो TV हो गया, तो ये सारे IPTV होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग 4K रिजोल्यूशन तक हम लोग जो भी TV वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मान के चलो स्टार प्लस है, ठीक है, अगर किसी के पास SD स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला, मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाला किसी के पास सेटअप बॉक्स है, तो उसके लिए अलग ब्रॉडकास्ट होता है, ठीक है। अगर किसी के पास HD सेटअप बॉक्स है, तो उसके लिए अलग ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है। अगर किसी के पास 4K है या फिर IPTV है, तो उसके लिए अलग से ब्रॉडकास्ट होगा। तो मतलब सबका रूट अलग अलग होगा, क्लियर, समझ में आया। तो रूट जो होगा वो अलग अलग डिवाइसेस के हिसाब से भी वो मैनेज कर सकता है, सोर्स रूटिंग ब्रिज लगा के। आया समझ में, होता है ना ऐसा कि नहीं होता है, कभी देखे हो क्या, मतलब कि हम लोग के पास ऐसे ही वो सस्ता वाला हम लोग लगा लिए हैं सेटअप बॉक्स, और उसमें एकदम HD फुल HD में देख रहे हैं, ऐसा होता है क्या? सपोर्ट ही नहीं करेगा वो, तो सपोर्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। HD चैनल्स के लिए HD हम लोग के पास सेटअप बॉक्स होने चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही नेटवर्क को भी हम लोग अलग अलग टाइप में डिवाइड करके रखते हैं, ठीक है, मतलब अलग अलग रूट बना के रखते हैं, अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग रूट होता है, सिंपल सी चीज़, ठीक है। तो सारी चीज़ कहाँ से मैनेज होगी, सोर्स से मैनेज होगी, जो भी हमारा सोर्स है, क्लियर। तो ये रहा ब्रिज, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा स्विच, ठीक है। स्विच जो है हम लोग कल देखेंगे। स्विच आ गया, रूटर हो गया, गेटवे, और एक होता है ब्रूटर, ठीक है। ब्रूटर एक नया डिवाइस है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग